उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ। अपने बाबा से किस तरह से बात कर रहे हो? तबस्सुम साहब, बोलने दीजिए इसको। आज मुझे भी पता चले कि इसके दिल में क्या है, अपने बाप के लिए कितना बुख्स रखता है ये। बुख्स तो आपने पाला हुआ अपने दिल में मेरे लिए। अगर आप पहले दिन से मेरी बात का एतबार करते ना, तो ये कभी भी हमारे दरमियान इतनी दूरियां पैदा कर ही नहीं पाते। मुझे तो अफसोस हो रहा है अपने फैसले पर। मैंने इसे सिर्फ धमकी क्यों दी, उसी वक्त तलाक क्यों नहीं दे दी? अरे भाई, वो मेरी छोटी बहन है, अब मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? लेकिन उस्मान, मेरी सारी जिंदगी की खुशियां सिर्फ तुमसे जुड़ी हुई हैं, मेरी फिक्र कौन करेगा? तो फिर आप खिरत को तलाक क्यों नहीं दे देते? आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। इसके लिए मैंने कुछ और सोचा है। क्या? हाँ चलें। यस, और हाँ, कोई बेवकूफी मत करना। तू साथ नहीं चलेगा क्या? तुम्हें मैं शक्ल से इतना फारिक लगता हूँ क्या? यार, अब मर्दम शुमारी एक बंदा करने से तो रहा, दोनों भाई साथ चलेंगे तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा यार। तुम प्लम्बर बन के जा रहे हो ताकि नल ठीक करने के बहाने उनके घर के अंदर का माहौल जान सको, मर्दम शुमारी करने नहीं। ओ भाई, मुझे घर के अफराद से दिलचस्पी तो हो सकती है मगर वॉशरूम से नहीं। तो यार, अगर उनका अगर कोई वाकई में नल खराब हुआ तो मैं क्या करूंगा? तूने मुझे मरवाने की कसम खा रखी है क्या? ठीक है, रहने दो, मैं खुद कुछ ना कुछ कर लूंगा। अच्छा ना, अब नखरीली महबूबा की तरह नखरे मत दिखा, बस दुआ करके दरवाजा वही खोले। अब जा रहे हो? प्लीज। मैं कह रही थी साहिर अभी तक नहीं आया। तो भाई सुबह से निकला हुआ है, नाश्ता भी करके नहीं गया था, अब दोपहर होने को आई। अरे भाई, वो कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है? अब तो बड़े बड़े फैसले भी खुद करने लगा है। लेकिन शफीक साहब, आपको जवान बेटे पे इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो भी एक पराई लड़की की खातिर। आपकी इसी सोच की वजह से आपके बेटे का घर नहीं बस पा रहा है। भाई, मैं इस वक्त बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। भाई, अलीना और उस्मान आ रहे हैं, मैं ये चाह रही हूँ कि उनके आने से पहले आप साहिर को बुला लीजिए। आपको उस्मान की आदत तो मालूम ही है। आप कोई बहाना कर लीजिएगा, कह दीजिएगा किसी काम से गया हुआ बाहर। और जैसे वो तो मान ही जाएगा, आपको तो अच्छी तरह से मालूम है कि उस्मान की आदत है बाल की खाल निकालने की। वो तो इस टो में लग जाएगा कि साहिर वाकई गया है कि नहीं। अब अगर आप सच सुन सकती हैं तो सुनिए, आपके बेटे ने भी उस्मान से कभी बना के नहीं रखी कि उसकी ख्वाहिश हो कि वो साहिर से मिले। अरे भाई, अलीना तो उसकी बहन है ना, वो जाने से पहले अपने भाई से नहीं मिलना चाहेगी। भाई, अगर अलीना उससे मिलना चाहती तो उसको फोन कर लेगी, लेकिन मुझे खुदारा ऐसी किसी भी कोशिश से दूर रखे। देखिए शफीक साहब, आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। भाई, मैं जो भी कर रहा हूं मुझे इस पे कोई पछतावा नहीं है।
अब मैं उस्मान भाई को क्या बताऊंगी कि मुझ पर क्या कयामत बीत चुकी है। अगर उन्हें सच बता दिया तो साहिर मुझे सच में तलाक दे देंगे। मेरी वजह से उस्मान भाई का घर भी खराब होगा। क्या करूं मैं कहां फंस गई। खिरत जी भाभी जाओ जाके देखो शायद वो लोग आ गए। एक ही दिन में सारे कसबल निकल गए मोहतरमा के। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। जी आपके घर से कोई कंप्लेंट गई थी, आपका कोई नल खराब है क्या? नहीं तो। नहीं नहीं मिस, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो इसी घर का एड्रेस दिया गया था। नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हाउस नंबर 166 यही है ना, इमरान साहब का जो बैंक में जॉब करते हैं। जी नहीं, ये शफीक साहब का घर। ओहो शफीक अली राइटर, आप उनकी बेटी है ना? वो मेरे मामू। और आप कैसे जानते हैं उन्हें? ओहो मैम मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं उन्हीं की किताबें पढ़ता हूँ। आप प्लम्बर ही है ना? जी हाँ मैं प्लम्बर ही हूँ। और कोई काम? नहीं नहीं बस यही तो पूछना था। थैंक यू। ओके अच्छा भाई, किस वक्त की फ्लाइट कंफर्म हुई तुम्हारी? इंशाल्लाह कल शाम की मांग। अच्छा तो फिर हम सब चलेंगे तुझे सी ऑफ करने के। जी जरूर। मामूजान मैं चाह रहा था कि खैरत को आज अपने साथ ले जाऊं, वैसे भी हम दोनों कल जा रहे हैं तो कुछ वक्त उसके साथ गुजार लेंगे। अरे तो मुझसे आप इजाजत क्यों ले रहे हैं, आपकी बहनें ले जाइए। भाई वो कह रही थी कि वो अपने भाई के लिए अपने हाथों से चाय बनाएगी क्योंकि उस्मान को उसके हाथ की चाय पसंद है, अगर तुम कहते हो तो मैं उसे बुला लाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जान, मैं उसे थोड़ी देर में खुद बुला लूंगा। ठीक है। मियां ये तो बताओ कि वहां तुम लोगों के रहने सहने का कोई ढंग का इंतजाम भी हो गया है कि नहीं? जी वहां है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अभी क्या करें, जाके सबके साथ बैठे? नहीं वो चाय बन रही थी ना तो मैंने सोचा बर्तन धो लूं। तो मैं बना देती हूँ चाय, वो उस्मान भाई आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन इंशाल मैं उनका सामना करने की पोजीशन में नहीं हूँ। वो आपके भाई हैं, आपका दर्द वही समझ सकते। इतनी मजबूर हो गई हूँ कि मैं दुख भी किसी से शेयर नहीं कर सकती। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि मुझे
साहिर ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा। अगर मैंने किसी से कुछ भी कहा तो वो खिरद भाई क्या हुआ, तुम आ क्यों नहीं रही? हाँ वो चाय बन रही थी ना, तो बस इसीलिए। तुम रो रही हो? नहीं नहीं भाई, मैं तो ठीक हूँ। कोई बात हुई है क्या? साहिर ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मुझे बता। नहीं नहीं, साहिर तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। Are you sure? अल्लाह करे तुम हमेशा खुश रहो, मेरी हर लम्हा यही दुआ रहती है। अच्छा एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? घर और कहाँ, बाबा की डेथ के बाद तुम घर ही नहीं आई हो, और वैसे भी मैं कल जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आखिरी रात हमारे साथ ही गुजार लो। भाई आप मुझसे नाराज क्यों नहीं हो? बाबा की डेथ के बाद रिश्तों के नाम पर सिर्फ तुम ही मेरे साथ हो, इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता। थैंक यू। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे वापस जाकर कुछ काम भी करना है। जी मैं मामू जान से परमिशन लेके। श्योर। शरप यार, कुछ भी उल्फुल बोल देता है तू। ठीक है भाई, अब हमारा बोलना तो तुझे उल्फुल ही लगेगा। तू बस ये किताबें पढ़ और इन पर लिखे हुए रिव्यू को याद कर। हाँ हाँ, ज्यादा फालतू बात मत कर, चल देखा ढूंढ ढूंढ ना। अबे एक और चीज मिली है। क्या 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 क्या, क्या? कुछ भी नहीं। अरे बेटा वो साहिर से रابطہ हुआ तुम्हारा? कहाँ खाला जान, सुबह से तो किचन में हूँ, अभी तो फ्री होके आई हूँ। बेटा मैंने तुमसे कहा था कि सब काम फिरत कर लेगी, फिर तुम्हें करने की क्या जरूरत? छोड़े ना खाला जान, फिरत के अंदाज नहीं देखे आपने? ऐसी दुखी आत्मा बनी फिर रही है जैसे दुनिया की वाहिद औरत है जिसके शौहर ने दूसरी शादी की हो। उसकी यही ड्रामेबाजी तो मुझे जहर लगती है। जरा जरा सी बातों के ऊपर ऐसा मुंह लटका के बैठती है, ना जाने क्या हो गया, और ये तो फिर मामला ही दूसरा है। आपने देखा नहीं सिर्फ अहमियत बढ़ाने के चक्रों में रहती है, कैसे उस्मान और खालू जान के आगे पीछे फिर रही थी। न जाने शफीक साहब पर उसने कैसा जादू करवाया है कि बजाय इसके कि अपने बेटे का साथ दे उसी की तरफदारी किए चले जाते। आपने देखा नहीं खाला जान, खालू जान की इन्हीं बातों की वजह से तो साहिर उनसे इतना बदजन हो गया। और आज जो इसने हरकत की है ना, सच्ची बात है अब तो मेरे दिल में उसके लिए इतनी सी भी गुंजाइश नहीं रही, न जाने इससे मेरी जान कब छूटेगी। वो दिन भी बस आने वाला है खाला जान, रात को मेरी नईम से बात हुई थी, अन्नाया और साहिर का वीजा लग चुका है और दो दिन में टिकट भी आ जाएंगे। अरे या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी तो रातों की नींदें हराम हो गई थी। लेकिन बेटा एक मसला है। वो क्या खाला जान? अगर खिरद ने उस्मान को कुछ बता दिया फिर क्या होगा? अभी भी वो कुछ बताने की पोजीशन में है खाला जान, आपने देखा नहीं था तलाक के नाम से ही वो कैसी पीली जर्द हो गई थी। और अगर उसने बदला लेने की ठान ली तो भाई मेरी बेटी का तो घर बर्बाद हो जाएगा ना। उसकी फिक्र ना करें खाला जान, मैं अलीना को सब समझा चुकी हूँ, अलीना संभाल लेगी। अच्छा बेटा साहिर से तो बात करो, उससे ये पूछो कि वो घर आ भी रहा है कि नहीं। कमाल करती हैं खाला जान आप भी, खालू जान की इतनी इंसल्ट के बाद साहिर क्या घर वापस आएगा? अरे भाई मैंने तो सिर्फ पूछने को कहा है ना, तो फिर मैं उसी हिसाब से शफीक साहब के साथ अपना मूड बना के रखूं।
ऐसा ना हो कि मैं नाराजगी जिताती रहूं और लो भाई माँ से साहिर आदम के, फिर क्या होगा? अरे वाह खाला जान, आप खालू जान को एटीट्यूड दिखाना चाहती हैं? हाँ भाई, अपने बेटे की जंग तो मुझे ही लड़नी है ना। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। आप तो हमें भूल ही गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तो और कैसे भूलते, या तो आप हर वक्त लिखते रहते या फिर साहिर चाचू को डांटते रहते। अरे भाई आपके साहिर चाचू जो है ना, बातें ऐसी करते हैं कि बस मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर आप उन्हें ज्यादा नहीं डांटा करें, क्योंकि आप जब भी साहिर चाचू को डांटते हैं आपकी तबीयत खराब हो जाती है, और मैं नहीं चाहती कि आप बीमार हो जाए। अच्छा, तुम मेरा इतना ही ख्याल है? काश साहिर चाचू को भी आपका इतना ख्याल होता, यही सोच रहे ना? हाँ, कि तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं बड़ी हो गई। और अच्छा सब छोड़े, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? यही कि घर में उदास बैठने से क्या होगा, हम बाहर चलते हैं। लेकिन बाहर जाने से अंदर का मौसम तो तब्दील नहीं हो जाएगा ना? पर फर्क तो पड़ेगा, और वैसे भी मैंने पढ़ा है कि अगर आपका मूड खराब हो ना तो बाहर जाके आइसक्रीम खा लेनी चाहिए, सारी टेंशन दूर। अच्छा तो चलो आजमा के देख लेते। यस, ये हुई ना बात, मैं जाके मामा को बताती हूँ। चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ। अरे बेटा, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे किस्मत तुम लोगों का साथ दे रही है। कैसे सारे काम फुर्ती से हो रहे और कई साल लग जाते हैं, लोगों को वीजे नहीं मिलते, और यहाँ हथेली पे सरसों जमाने के बराबर। तुम्हारे टिकट भी कंफर्म हो गए, वाह भाई। अरे मामा, अगर लगन सच्ची हो ना तो मंजिल मिलना मुश्किल नहीं होती। अरे वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं कैसे रह पाऊंगी तुम लोगों के बगैर? मेरा दिल तो अभी से उदास हो रहा है तुम्हारे बगैर। मामा, अगर आप ऐसे उदास होंगी तो हमारा दिल कैसे लगेगा, बल्कि हम आपको भी वहीं बुलवा लेंगे, क्यों साहिर? अनाया बिल्कुल ठीक कह रही है खाला जान, आप क्यों परेशान हो रही है? हम वहाँ चले जाएं, थोड़ा सेटल हो जाएं, हम आपको वहीं बुला लेंगे अपने पास। नहीं बेटा नहीं, जीते रहो, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मैं अपना बुढ़ापा यहीं गुजार लूंगी। लेकिन खाला यहाँ पर अकेली कैसे रहेंगी आप? तुम लोग तो मिलने आते रहोगे ना मुझसे? नहीं खाला, मेरा मेरा वापस आने का कोई इरादा नहीं। साहिर ठीक कह रहे हैं, और मामा मेरा भी कोई इरादा नहीं है कि वापस आए हम, बल्कि हम लोग वहां आपको बुला लिया करेंगे ना। मर्जी है बेटा तुम लोगों की, जैसे चाहो अपनी जिंदगी जियो। मामा आप नाराज तो नहीं है? नहीं बेटा, नाराज नहीं हूं, लेकिन हाँ उदास जरूर हूं। लेकिन तुम मेरी फिक्र नहीं करो, जैसा तुम लोगों को मुनासिब लगे बस वैसा करो। थैंक यू खाला साहब, जिस तरह आप हमारी खुशी का ख्याल रखती हैं, आई विश बाबा को भी इसी तरह हमारा ख्याल होता। अच्छा बेटा, खुशी के मौके पे उदास नहीं होते। ये बताओ तुम लोगों की फ्लाइट कब है? मामा अभी कल की फ्लाइट तो कंफर्म नहीं है, अगर कंफर्म होती है तो ठीक, अदरवाइज हम परसों जाएंगे। इसका मतलब है बहुत थोड़ा वक्त है तुम लोगों के जाने में। ऐसा करते हैं, चांदनी और आपा को बुलवा लेते हैं, क्या ख्याल है तुम दोनों का? जैसी आपकी मर्जी खाला, जो आपको ठीक लगे।
आपको कोई काम है मुझसे? जी जी, एक्चुअली मुझे अपने डैड के लिए कुछ शर्ट्स लेनी थी, अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हैं। सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपको वाकई हेल्प चाहिए तो मेरे भाई आए, मैं उनको बुला लेती। कुछ नहीं हुआ मुझे। साहिर, आप जानते हैं कि आप मुझसे कोई बात नहीं छुपा सकते, मुझे बताएं क्या हुआ है? कहाँ चला गया वो? अरे मुझे क्या पता, वो तो बस आया, अपना सामान लिया, सारे रिश्ते नाते तोड़ के चला गया। उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ, रिश्तों की जंजीरों से मैं हार गई, मैं हार गई। दर्दा दी मारी